आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड पर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में सेकंड ऑर्डर टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² p(dy/dx) q(y) = r बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसके पहले इसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² p(dy/dx) q(y) = r इसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब तक हम लोग 3 मेथड्स का डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड था व्हेन वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन। सेकंड मेथड में आपसे कहा गया था नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और थर्ड में आपने कहा बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² p(dy/dx) q(y) = r का लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1b, मान लेते हैं इस दिए गए इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वह है y = au + bb, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये कह दिया आपने, जहाँ u और v, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, और साथ ही साथ a और b है, इन ये क्या है इनको बता दीजिए, एंड a b आर कांस्टेंट्स, जो कैपिटल a और कैपिटल b लिया गया वो क्या है कांस्टेंट्स, ये कह दिया गया। चूँकि दिए गए प्रॉब्लम में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1b y = au + bb, तो अगर u और v मतलब au प्लस bb इस इक्वेशन 1 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो ऑब्वियसली u और v पार्ट ऑफ cf। तो आपने कहा कि सिंस u एंड v आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देयरफॉर u और v इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब आप ये लिख सकते हैं d2u/dx² p(du/dx) q(u) = 0, इसको कह लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, और साथ ही साथ ये भी कह लिया d2v/dx² p(dv/dx) q(v) = 0, इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 4, ये कह दिया। ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई। अब आप इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए का एज्यूम कर लेते का लेट मान लेते हैं y = au + bb, से इट इज इक्वेशन नंबर 5, विद द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 का मान लेते हैं y = uv दिए गए प्रॉब्लम का क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा वेयर a एंड b आर नॉट कांस्टेंट्स, कहा a और b अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, दे आर फंक्शंस ऑफ x,
मतलब जो ए और बी यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कांस्टेंट हैं, यू और भी फंक्शन ऑफ एक्स हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि ए और बी अब जब दिए गए प्रॉब्लम के कंप्लीट सोल्यूशन को y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी भी माना तो u और v फंक्शन ऑफ x तो हैं लेकिन a और b भी अब कांस्टेंट नहीं है। बदले हुए सिचुएशन में a और b फंक्शन ऑफ x है। तो कांस्टेंट पैरामीटर को वेरिएबल पैरामीटर, यहाँ ये कांस्टेंट पैरामीटर था, कांस्टेंट पैरामीटर को वेरिएबल पैरामीटर मान करके प्रॉब्लम के कंप्लीट सॉल्यूशंस के देने के प्रोसेस को ही हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का ओके। अब जरा सा फिर से देखा जाए कि अगर y इक्वल्स ए यू प्लस बी भी इस इक्वेशन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इक्वेशन वन में y की जगह ए यू प्लस बी भी रखना होगा। तो y की जगह तो सीधे रख देंगे ए यू प्लस बी भी, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहा देयरफोर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई वन कह दिया, आएगा क्या ए वन यू प्लस बी वन भी प्लस ए यू वन प्लस बी भी वन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोसेस लगा दिया। या इसको कह सकते हैं वाई वन इक्वल्स ए यू वन प्लस बी भी वन प्लस ए वन यू प्लस बी वन भी, ये हो गया, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर सिक्स कह दिया। चलिए भाई अब जब इसको इक्वेशन सिक्स कह दिया का लेट अस चूज ए एंड बी सच दैट का वो क्या ए वन यू प्लस बी वन वी इज इक्वल टू जीरो। ए वन यू प्लस बी वन वी को क्या मान लिया है, जीरो। सेट इज इक्वेशन नंबर सेवन। देन इक्वेशन सिक्स बिकम्स, अब इक्वेशन सिक्स क्या हो जाएगा, वाई वन इक्वल्स हो जाएगा ए यू वन प्लस बी वी वन, क्योंकि ए वन यू प्लस बी वन भी की जगह तो जीरो कर दिया का। तो अब अगर यह हो गया वाई वन इक्वल्स ए यू वन प्लस बी वी वन हो गया तो इसको हम लोगों ने कह लिया इक्वेशन नंबर एट। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहा देयरफोर वाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन प्लस ए यू टू प्लस बी वी टू। डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन यू वन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ए वन प्लस सेकंड फंक्शन ए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यू टू फर्स्ट फंक्शन बी वन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बी वन सेकंड फंक्शन बी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बी टू। तो ये डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इस रिजल्ट को वाई वाई वन वाई टू मतलब एट नाइन, एट हो गया आपका वाई वन, नाइन हो गया वाई टू, और उसके बाद फाइव आपने ज्यूम किया था वाई इक्वल्स ए यू प्लस बी वी। इन रिजल्ट को वाई वाई वन वाई टू को अब हम दिए गए प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करें का यूजिंग इक्वेशंस फाइव, फिर कौन सा एट एंड नाइन इन इक्वेशन वन। वी गेट इक्वेशन वन में यूज करेंगे तो इक्वेशन वन देखिएगा लिखा हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन प्लस ए यू टू प्लस बी वी टू, इतना हो गया। प्लस फिर लिखा हुआ पी लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स की जगह इक्वेशन नंबर एट का यूज करेंगे तो हो जाएगा ए यू वन प्लस बी वी वन,
प्लस क्यू वाई, वाई इक्वल्स ए यू प्लस बी भी, तो वाई की जगह रख देंगे ए यू प्लस बी भी इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये मिल गया आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं ए वन यू वन प्लस इसका किसी के साथ बी वन भी वन, कोई कम्बिनेशन नहीं है। अब ए के कोफिशियंट को एक साथ लेते हैं, तो ये यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए का कोफिशियंट होगा क्या यू टू, यहाँ ए का कोफिशियंट हो जाएगा पी यू वन, यहाँ ए का कोफिशियंट हो जाएगा प्लस क्यू यू। अब बी के कोफिशियंट को देखते हैं, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, यहाँ बी का कोफिशियंट हो जाएगा वी टू, यहाँ भी बी का कोफिशियंट है प्लस पी वी वन, और यहाँ बी का कोफिशियंट हो जाएगा प्लस क्यू वी इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर। अब आपने यह कह रखा था कि अगर यू और वी पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हैं तो यू टू प्लस पी यू वन प्लस क्यू यू इज इक्वल टू जीरो होगा, और वी टू प्लस पी वी वन प्लस क्यू वी भी क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब अगर इसमें हम इक्वेशन थ्री और फोर का यूज कर दें तो यह इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये देखा जाए, यूजिंग इक्वेशंस थ्री एंड फोर, इक्वेशन थ्री और फोर का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यह देख लिया जाए, इक्वेशन थ्री और फोर का यूज करने में ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर टेन, ये कह दिया। और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है ए वन बी वन, ए वन यू प्लस बी वन वी इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी लिख लें ए वन यू प्लस बी वन वी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। और ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आर था, ये आर यहाँ छूट गया, ये हो गया आर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा है ए वन यू प्लस बी वन वी, ये है इक्वेशन नंबर सेवन। अब इक्वेशन सेवन और टेन को सॉल्व करें, तो सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन सेवन एंड टेन वी गेट, जब इक्वेशन सेवन और टेन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपको मिलेगा क्या, वो देखना है आपको। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ए वन अपान माइनस आर वी इज इक्वल टू बी वन अपान, ये आ जाएगा आपका आर यू, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान यू वी वन माइनस यू वन वी, इतना आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो कह सकते हैं ए वन इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा वह हो जाएगा माइनस आर वी अपान यू वी वन माइनस यू वन वी हो जाएगा, ओके। अब इसको मान लेते हैं, यह जो आया फंक्शन ऑफ एक्स उसे कह दिया फाई एक्स, मान लिया, ठीक है, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर अलेवन, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ से बी वन के लिए सॉल्व करेंगे तो कहेंगे एंड बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर यू अपान यू वी वन माइनस यू वन वी, और इसको हम लोगों ने कह दिया साई एक्स कह से, ये भी मान लिया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर ट्वेल्व, ओके। अब ए वन मिल गया, बी वन हो गया, कहा इनको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस एलेवन एंड ट्वेल्व वी गेट, ये हो जाएगा ए वन का मतलब हो गया ए, ओके, तो ए वन का मतलब डी ए वन अपॉन डी एक्स है,
डी ए अपॉन डी एक्स को ही ए वन से अगर डिनोट किया गया तो इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, तो मिलेगा क्या ए मिलेगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, इतना आ गया। या इसी को आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा, इसी को आप कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन भी कह सकते हैं, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 13 कह दीजिए। ऐसे ही दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर यू अपान यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी टू, या इसको चूंकि आपने साई एक्स कह रखा था तो ये ले सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साई एक्स डी एक्स प्लस सी टू, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 14। ओके, वेयर ये भी कह दिया कि वेयर सी वन एंड सी टू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ये हो गया, ये कह लिया गया। अब जब ए और बी डिटरमाइन हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि हम आसानी से सलूशन अब बता सकते हैं का यूजिंग इक्वेशंस 13 एंड 14, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड 14 इन इक्वेशन जहां आपने दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन माना था, क्या माना था वाई इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, तो कहा इन इक्वेशन 5 बी गेट। इक्वेशन 5 में जब इसे आप रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वह देखने वाली बात है। तो वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 5 का ए यू प्लस बी वी, तो ए की जगह तो आपने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन और इंटू क्या हो गया यू, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट बी, बी की जगह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साई एक्स डी एक्स प्लस सी टू और इंटू क्या हो जाएगा वी, तो ये कुल मिला के हो जाएगा वाई इज इक्वल टू हो गया सी वन यू प्लस सी टू वी प्लस ए यू, इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन को आपने ए भी कह रखा है तो हो जाएगा ए यू प्लस बी वी, यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया कंप्लीट सलूशन हो गया, व्हिच इज कंप्लीट सलूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, जहां पर आपको कहना पड़ेगा कि वेयर ए क्या है, तो ए इज इक्वल टू आपने पहले ही कह रखा है इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी अपॉन यू वी डैश यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स है, और बी इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ आर यू अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम का सलूशन इजीली आप दे सकते हैं। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होंगे, आप कैसे दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इतना सारा तो आपके सामने, ये तो आर्टिकल हो गई। अब अगर आर्टिकल है आपके सामने तो प्रोसीजर क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो हमारे सामने मेंस है। तो मेथड्स कैसे सॉल्व करेंगे वो निकालने, तो सबसे पहले दिया गया प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। मान लीजिए वह दिया गया प्रॉब्लम है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर, मान लीजिए यही दिया गया प्रॉब्लम, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड को जीरो कर लीजिए, राइट हैंड साइड को जीरो कर लेंगे तो हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स जीरो, अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को किसी भी मेथड से जिसे आप इसके पहले तक जानते थे
चाहे वह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशियंट का मेथड हो, चाहे वह होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशियंट का मेथड हो, चाहे वह वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज नोन का मेथड हो, चाहे वह आपका बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेथड हो, जो भी मेथड आपको पता, जो लगता है कि आपको सुटेबली जिस मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है उस मेथड से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए सॉल्व करने पे जो आया वह वाई इक्वल सी वन यू एक्स प्लस सी टू वी एक्स आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। और इसी को वाई ना कह करके हम चूंकि इक्वेशन टू को सॉल्व करें तो इसी को हम सी एफ कह देते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन क्या होगा, ये हमारे सामने समस्या। तो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन पाने के लिए हम मान लेंगे y इज इक्वल टू सी वन यू एक्स प्लस सी टू वी एक्स प्लस ए यू एक्स प्लस बी वी एक्स, इसी को दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन मान लेंगे। जहाँ पर a और b अननोन फंक्शंस ऑफ x हैं जिनको हम लोगों के द्वारा डिटरमाइन किया जाना है, तो डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल्स कह दिया इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी अपान, आपने निकाला है यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, ये हो गया। और b इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर यू अपान यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो ये तो सॉल्व करने का प्रोसीजर हुआ, क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही इजीली हम इस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम लेकर के इस मेथड को देखा जाए, मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते, एग्जांपल लेते हैं, क्या ये लेते हैं डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का, इस प्रॉब्लम को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से सॉल्व करिए। तो प्रॉब्लम को देखेंगे, सिंपली ये प्रॉब्लम लग रहा है ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशियंट का है, बट इसे कहा जा रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करिए। तो हमने तो आपसे ये कहा कि पहले इस दिए गए प्रॉब्लम के लेफ्ट पार्ट का सोलूशन निकाल लीजिए, लेफ्ट पार्ट का सोलूशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा माइनस वन, या एम इक्वल्स आ जाएगा प्लस माइनस आई। अब अगर एम इक्वल्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म है तो सी एफ क्या होगा वो आप आसानी से बता सकते हैं, कि लेफ्ट पार्ट का जो सोलूशन आने जा रहा है वह हो गया सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, यही लेफ्ट पार्ट का सोलूशन हो गया। हमको तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोलूशन चाहिए, का लेट वाई इक्वल्स सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स से इट इज इक्वेशन नंबर थ्री, बी दी कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, मान लेते यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, कंप्लीट सोल्यूशन। जहां पर अब सवाल है कि ए और बी को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, तो ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड आपके दिमाग में वो लगाएंगे का फेयर। ए और बी के बारे में आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल में कि ए का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, और बी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ आर यू अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, इतना हो गया। कोई बात नहीं, ए और बी आपके सामने आ गए हैं। अब ए और बी को इवेल्युएट करना, तो कहा हियर इन दिस प्रॉब्लम यू की जगह देखिएगा कॉस एक्स और वी की जगह साइन एक्स है, तो यू इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख लिया कॉस एक्स और वी इक्वल्स लिख लिया साइन एक्स। ये भी आप सकते हैं वी वन और यू वन का क्या मतलब है, यू वन और वी वन का मतलब यू का और वी का
एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो यू को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स आएगा, और इसी को कह दिया गया है यू वन। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता हुआ आपको मालूम है, माइनस साइन एक्स। ऐसे ही जब वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी वन आएगा, मतलब डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, और डी वी अपॉन डी एक्स को ही आप वी वन से डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। हमको तो चाहिए यू वी वन माइनस यू वन भी चाहिए, कहा दिस इम्प्लाइज यू वी वन माइनस यू वन वी, यू दैट इज कॉस एक्स, वी वन दैट इज आल्सो कॉस एक्स, माइनस यू वन, यू वन इज माइनस साइन एक्स, वी दैट इज आल्सो साइन एक्स। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स हो गया वन। तो यू वी वन माइनस यू वन भी इज इक्वल टू आ गया वन हो गया। अब हम कंप्यूट कर सकते हैं, नाउ कंप्यूट करें, ए इक्वल्स आपका इंटीग्रल ऑफ माइनस आर, आर की जगह पर आपके पास है यक्स, तो यक्स लिख दिया, इंटू वी, वी की जगह पर आपने कहा क्या है साइन एक्स, ये लिख दिया, अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इज इक्वल टू आपको मिला हुआ वन, तो वन लिख दिया, इंटू डी एक्स होगा, मतलब कुल मिला के आएगा माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ यक्स साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया यक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस माइनस माइनस हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आ गया साइन एक्स, इतना आ गया, और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर फोर का। ऐसे ही बी को कंप्यूट करते हैं तो बी इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रल ऑफ आर यू, बट आर इक्वल्स क्या है यक्स है, तो हो जाएगा यक्स इंटू यू, यू का मतलब हो गया आपका कॉस एक्स, अपॉन यू वी वन माइनस यू यू वन भी, तो वो आपको मिला हुआ वन इंटू डी एक्स, कुल मिला के फाइनली यह भी हो गया यक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया। एक को फर्स्ट कह दिया दूसरे को सेकंड कह दिया, का फर्स्ट फंक्शन यक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन हो गया इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो बी इज इक्वल टू मिल गया यक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल फिर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर फाइव। अब ए और बी की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ए इक्वल्स मिला हुआ है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बी इक्वल्स मिला हुआ है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इन दोनों वैल्यूज को ए और बी की वैल्यूज को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशंस फोर एंड फाइव, इसमें इन इक्वेशन थ्री वी गेट, देखा जाए क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर थ्री का लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। ए डिटरमाइन हो चुका है और ए इक्वल्स आपको मिला हुआ है यक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वेशन नंबर फोर, और लिखा क्या है ए कॉस एक्स, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कॉस एक्स प्लस बी, बी इक्वल्स मिला हुआ है यक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बी के साथ क्या है साइन एक्स, तो बी की वैल्यू रख दिया और ये लिख दिया साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, लिख सकते हैं सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस, यहाँ देखिए कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यक्स कॉस स्क्वायर यक्स,
फिर यहाँ एक्स साइन एक्स में साइन एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स कामन ले लिया तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स, और एक प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स, इतना हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली जो बचा वो हो गया वाई इक्वल्स सी वन कास एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, इतना आ गया। और कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है वन, तो ये आ गया प्लस एक्स। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड क्या होता है, आर्टिकल देखा, फिर कैसे हम प्रॉब्लम को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर एक एग्जांपल भी देख लिया। अब इस तरीके से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड्स के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।